आसमान की दुनिया में मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं कहती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस हालत में तो मैं अभी उठी हूँ और मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कर दूँ। ये पहले रूम को थोड़ा सा सेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिल। मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। हम इसको खाएंगे और थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, उसके बाद फिर जो है मैं फ्रेश होकर फिर जो है फिर खाना खाऊंगी। इसको मैं अभी ऑन नहीं कर, ये आप देख रहे होंगे तो सही है, इससे मेरी जिंदगी काफी आसान हो गई। बेटे नहीं करेंगे, देखिए बस सारा दिन इस तरह इन्हीं कामों में गुजरता है और मैं इसके साथ ये ही काम करती रहती हूँ। अब इसका मिक्सी हो गया हॉट, ज्यादा हॉट हो गया ये। अब इसको हम मिल्क देते हैं। बेटे पोपा पकड़ा है, अब हम इसको मिल्क देते हैं। ये मिक्सी पिएगा मिल्क और मम्मा खाएंगी मैक्रोनीस। ये इसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे। हम बस घर में मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है, बस हम तीन लोग ही हैं, जिसकी वजह से ये सारा दिन जो है वो बहुत तंग करता है। बस बाबा होते नहीं है तो ये मम्मा को कहता है, मम्मा जी खेलो खेलो मेरे साथ, बस सारा दिन इस तरह इसके में गुजरता है। आ जाए बेटे मिल्क लेने। ये देखिए ये भी ऐसी शरारतों में लगा हुआ है, बस इसका सारा दिन ऐसे ही गुजरता है। अब इसका मिल्क हो गया रेडी। बेटा आप ये मिल्क ले लें, डेढ़ के मिल्क पिए मेरा बेटा। और अब हम देखते हैं कि ये गाड़ी आप देख रहे होंगे, ये इसकी सारा दिन ऐसी रहती है, इसको उठा के इधर घूमता है इधर घूमता है, बस ये घूमता रहता है। मैं चेक करती हूँ कि हमारी माइक्रोनीस गर्म हो गई है। हाँ जी ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम इसको बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके साथ हम केचप ले लेते हैं, केचप के साथ तो उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। अब इसको हमने स्पून ले लिया, एक और लेते हैं। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी आई है, मैं फिर ना क्या हुआ बना लेगा फीडर, हम इसको फीडर दूंगी मैं। ये जो है ये सारा दिन मम्मा को इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, मस्तियां बहुत करता है, बस इसको यही होता है मम्मा मेरे साथ खेले मम्मा मेरे साथ खेले। और आपको पता ही है कि गांव के और भी काफी सारे काम होते हैं तो वो बच्चों को इतना बच्चों के साथ खेल नहीं सकती, तो फिर ये जो है ना सारा दिन ऐसे ही करते हैं। कुछ मैं अपने खाने के लिए भी देखती हूँ, मैंने रात बनाई थी मैक्रोनी, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसकी खा लूँ तो उसके बाद फिर फ्रेश होके देन मैं कुछ खाऊंगी। घर में आप देख रहे होंगे काफी मेस क्रिएट हुआ होगा, तो उसको कर लूंगी। आपको तो पता है फिर बच्चों के साथ ये चीजों को लगी रहती है। मैंने मेरे साथ मेरी सिस्टर भी आई हुई है, उनका फेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, इसलिए मैंने दो स्पून रखे हुए। आप सोच रहे होंगे कि ये एक है और दो स्पून क्यों रखे हैं इसने, तो एक है मेरा और एक है मेरी सिस्टर का। अब वो देखें ये क्यों रो रहा है, क्या हुआ बेटे? अब ये कह रहा होगा मामा मेरे पास आके लेटेंगी तो मैं फीडर पीऊंगा। बेटे आ जाए आप बाहर, मम्मा के पास फीडर पी ले, आपने यहाँ लेटना है। मम्मा आपको फैन ऑन करके देती है, फैन ऑन करके देती है मम्मा आपको। और अब आप मिल्क पिए, आप ये कहेंगे कि हम जो टीवी भी लगा के, और नो बेटा पहले मम्मा ब्रेकफास्ट करती है देन अपने बेटे को टीवी ऑन करती है। अब ये जो है ना टीवी के बगैर जो है वो कुछ लेता भी नहीं है, ये फीडर भी नहीं पीता है। अब हम इसको टीवी ऑन करके देते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक
और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये काम स्टार्ट किया, मैं एक्चुअली कब से प्लान कर रही थी कि मैंने कुछ करना है कुछ करना है। घर में तो आपको पता ही है कि बंदा इफ यू आर रेडी लेट्स स्टार्ट विद वंस आई कॉल इट फिश अलाइव। घर की रूटीन से तो थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए बंदे का। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा वे यही है यूट्यूब पे मैं अपना एक चैनल बनाती हूँ, तो मुझे आप लोगों की काफी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके अब हम कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। इसको कोको मेलन ही पसंद है, कोको मेलन लगा के दो, कोको मेलन लगेंगे तो देन ये जो है वो अपना फूड है, ये अपना फिटर फिनिश करेगा। अब इसको हम कोको मेला लगा के देते हैं।